फ्लाइट टेक ऑफ हो चुका है। बाय बाय कोलकाता चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मद्रास। देख लो भाई ऐसा कुछ है, अराइवल पॉइंट बढ़िया। गाइस आई एम बैक टू द फ्लाइट में, तो फ्लाइट टेक ऑफ होता है, आपको मैं फिर दिखाता हूँ। फ्लाइट वॉज लैंडेड भाई साहब। हे डियर गाइस, वेलकम बैक टू रिटू चैनल सुमित पॉल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सो गाइस, आज हम लोग निकल रहे चेन्नई के लिए टूर। तो चलिए आपको जाके मिलता हूँ डायरेक्ट कोलकाता एयरपोर्ट से। फ्लाइट है अपना एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो चलिए कोई टाइम बिना वेस्ट करते हुए निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट से जाकर एयरपोर्ट में घुस के आपको एयरपोर्ट में मिलता हूँ। तो सो गाइस, अपना चेक इन हो चुका है। तो ये अपना गाइस फ्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम है अपना 12 बजे का बोर्डिंग टाइम है। तो 12:40 को डिपार्चर, एक्चुअल अपना फ्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम था 10:40 को डिपार्चर था, बट अपना फ्लाइट लेट हो चुका है अपने एयर इंडिया एक्सप्रेस टू CCU टू MAA। तो चलिए चलते हैं, आपको सामने में फूड कोर्ट के तरफ जाते जहाँ जाता है दिखाता हूँ। तो अगर अपना है तो ये देखो चेक इन एरिया, बट अपना हैदराबाद का जब आप देखे होंगे CCU टू हैदराबाद वाला जो अपना देखे होंगे आप क्या बोलते हैं जो फ्लाइट इंडिगो वाला, तो एयरपोर्ट तो आप देखे होंगे। तो बस एयर इंडिया एक्सप्रेस का वीडियो बनाएंगे, और देखो मम्मी मैं पापा जा रहे हैं। आप तो अगर अपना फ्लाइट जो है भाई लेट है, देखते हैं कितना तक बोर्डिंग देखते हैं। अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है चेन्नई के लिए, तो देखते हैं फिर गेट नंबर 104। तो फ्लाइट में चलते मिलता हूँ आपको। तो अगर अपना देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का बस, मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस का बस का इंटीरियर, और अपना एयर इंडिया का एक्सप्रेस के पास जाके आपको दिखाता हूँ कहाँ अपना फ्लाइट है, अपना कोलकाता एयरपोर्ट देख सकते हो। अब चलेंगे अपना फ्लाइट के अंदर में, इंटीरियर कुछ देख सकते हो गाइस, देख सकते हो गाइस फ्लाइट का इंटीरियर। और ये मेरे भाई को देखो, मम्मी को, उधर पापा है, और अपना ये वाला ट्रे टेबल देख लो इसको, जिस प्रकार का कुछ है। तो फ्लाइट डिपार्ट होने के बाद, टेक ऑफ होने के बाद आपको मैं दिखाते हैं। इसका विंडो क्लीन नहीं है इस फ्लाइट का, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा बस विंडो इसका क्लीन कर दीजिए, और कोई बात नहीं। अदर गुड। सो गाइस आई एम बैक टू द फ्लाइट में, तो फ्लाइट टेक ऑफ होता है, आपको मैं फिर दिखाता हूँ, आप लोग इंजॉय कर लिए होंगे। ओके गाइस, तो फ्लाइट को टेक ऑफ कर लीजिए, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अगर अपना फ्लाइट यहाँ से हो चुका है डिपार्चर, टेक ऑफ होता है तो दिखाता हूँ। देख लो भाई अपना कोलकाता एयरपोर्ट, बाय बाय। तो गाइस अपना फ्लाइट आई थिंक टेक ऑफ होने वाला है, रेडी टू टेक ऑफ। आसमान आ चुका है भाई, लो तो मैं अपना फ्लाइट अभी बादल से ऊपर आ चुका है। बढ़िया लग रहा है गाइस, अपना चेन्नई का लैंड दिखने लगा, तो नीचे जाना चाहिए उसके बाद खाते हैं और लैंडिंग के साथ
फ्लाइट लैंड होने वाला है कुछ ही समय में। जैसे सकते हो एयरपोर्ट का बिल्डिंग, लोग अपना अराइव हो चुके चेन्नई में। बस एयरपोर्ट के अंदर जाके आपसे मैं मुलाकात करता हूँ। तो सो गाइस, वी आर अराइव्ड एट मद्रास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चेन्नई में आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं आगे और आप लोग से मुलाकात करता हूँ। और वीडियो को एंड करके मैं न्यू वीडियो शुरू कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ना। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मद्रास देख लो भाई, ऐसा कुछ है। अराइवल पॉइंट बढ़िया है भाई, हैदराबाद से तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस, अपना बैगेज वगैरह सब कलेक्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल के लिए। तो ये एयरपोर्ट वाला वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को जाके। तो अपने देख लो, अपना ऐसा एयरपोर्ट है कुछ अच्छा ही है, कोई अच्छा भी नहीं, मतलब बढ़िया मैं नहीं बोलेंगे। और अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस का आप एक्सपीरियंस के बाद बताऊँ, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, बट एवरेज भी ही बोलूँगा मैं, जैसे बाकी का बात नहीं बोल सकता ये जिसमें हम लोग आए कोलकाता को मान। ओके, तो चलिए ये वीडियो कहीं पेंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप टू ऑल लाइक दिस वीडियो।